मैं तो मारू पारू हूँ, बातें अच्छी करता हूँ। मारो पारो। असर की नमाज पढ़कर मारो घर आया और अम्मी को बताकर ग्राउंड में खेलने चला गया। कुछ देर खेलने के बाद जब मारो घर वापस आया तो वो रो रहा था और अम्मी जान मारू को देखकर परेशान हो गई और रोने की वजह पूछी, लेकिन मारू कुछ ना बोल रहा था, मुसलसल रोई जा रहा था। अम्मी जान ने मारू को पानी पिलाया और बोली, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो मारू ने रोते हुए कहा, मेरे पेट में शदीद दर्द है। अम्मी जान ने मारू को दवाई दी और कहा, बेटा कुछ देर आराम कर लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मारू को बिस्तर पर लेटा कर अम्मी जान घर के कुछ कामों में मसरूफ हो गई। उधर मारू का पेट दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मारू के रोने की आवाज़ सुनकर अम्मी जान फौरन कमरे के अंदर चली आई और मारू रो रहा था। अम्मी जान मारू के पास बैठकर मारू को दुआ पढ़ाने लगी और मारू भी साथ साथ दुआ को दोहराने लगा। इतने में मगरिब की अजान हो गई। अजान की आवाज़ सुनकर मारू अफसरदा हो गया और कहने लगा, अम्मी जान मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा? अम्मी जान ने मारू को हौसला दिया और कहा, बेटा तुम नमाज पढ़ने जाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और मारू हिम्मत करके उठा और मस्जिद चला गया। जब मारू नमाज पढ़कर घर वापस आया तो वो बहुत खुश था और अम्मी से कहने लगा, अम्मी जान मैं ठीक हो गया हूँ। अम्मी जान मारू को देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को सेहतयाब कर दिया, बेशक तू ही शफा देने वाला है। और मारू को नसीहत करने लगी, बेटा तुम जब भी कभी बीमार हो या कोई मुसीबत आए, नमाज कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि नमाज में ही शफा है। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे।